मैट्रो वैनकूवर विच ट्रांसलिंक कंपनी दे वल्लों जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दा काम कीता जांदा है, जिससे वल्लों हुण एक नवीं सर्विस लॉन्च कीती जा रही है, जिससे नाल ए पता लगेगा कि जेड़ी बस दे विच तुसी जाना है वह किन्ने समय विच आ रही है तो पता पहला लगता ही है। ये भी पता लगेगा कि उस बस दे विच किन्नियां सीटां बचियां होईयां ने, कि थोड़े बैठन दे वास्ते उस बस विच थां है जां नहीं। मैट्रो वैनकूवर ट्रांजिट अथॉरिटी दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है कि ग्राहक ट्रांजिट एप्लीकेशन की वरतों कर सकते हैं, जिस दे विच यह जानकारी दित्ती जाएगी कि जो अगली बस थोड़े कोल पहुंचने वाली है उस दे विच सीटां किन्नियां बचियां होईयां ने। इस दे नाल ही यह भी दस्या जाएगा कि सिर्फ बस विच खड़न दे वास्ते थां है जां फिर बैठन वास्ते भी है जां नहीं। ते जेकर किसी ने लंबा सफर करना है ते वह बैठन वास्ते सीट भाल रहा होवेगा तो उसनू बस दे बाहर ही पता लग जाएगा कि उसके लिए बस के अंदर सीट नहीं है, तो फिर वह अगली बस के वास्ते उड़ीक कर सकता है। ट्रांसलिंक दे वल्लों इस सर्विस नू शुरू किए जाने बारे ऐलान किया गया है। यह सर्विस ट्रांसलिंक दे वल्लों रीकनैक्ट नाम की जो मुहिम शुरू की गई सी उसका हिस्सा है, ताकि ग्राहकों के वास्ते ट्रांसलिंक की जिहड़ी सर्विस है उसनू होर ज़्यादा सुखाला ते वधिया बनाया जा सके, क्योंकि COVID-19 के दौरान अजिहा होया कि बसा की सर्विस काफ़ी ज़्यादा घट भी हो गई सी, क्योंकि लोगों के वलों बसा की वरतों बहुत घट कर दी गई सी, जिस तो बाद जो काम मुड़ तो लीह के उत्ते आ रहा है तो हूँ ग्राहकों को आकर्षित करने के वास्ते कि यात्री जिन्ना हो सकता है मुड़ तो बसा की वरतों करनी शुरू कर देन, तो नवे ऐलान किए जा रहे हैं, जिस तहत ही इस नवी सर्विस नू लिआउण दा ऐलान भी किया गया है। जो ताज़ा अंकड़े ट्रांसलिंक ने सांझे किए ने उन्हां मुताबक इस समय 75,000 व्यक्ति खेतर दे विच अजिहे ने जिहड़े कि हजे भी ट्रांजिट दे उत्ते ही निर्भर करते हैं।